जासमीन वसीन के बाद अब एली गोनी ने भी बताया है कि आखिरकार उनके घर में कोरोना वायरस से कौन कौन से लोग जूझ रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी जिस तरीके से कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और इसके चपेट में हर कोई आ रहा है, हर दिन जो आंकड़े हैं केसेस वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेड्स ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कई सारे लोग दम तोड़ रहे हैं। अब इसी तरीके से देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री ले लीजिए या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लीजिए, वहीं से भी खबरें आ रही हैं कि ये एक्टर को कोरोना हो गया है, उनके फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, ये सारी खबरें आ रही हैं। और इस बीच जो एली गोनी है, बिग बॉस सीजन 14 में हमने इनको देखा था और लोग फैंस इनको बेहद पसंद करते हैं, इनकी बात मानते हैं, तो इसी बीच देखा जाए तो एक ट्वीट किया है एली गोनी ने। ट्वीट करके उन्होंने बताया कि उनके घर की क्या हालात है, किस तरीके से उनके लोगों की तबीयत है। मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, आई कैन अंडरस्टैंड वॉट पीपल आर फीलिंग, जिनके घर वाले आर पॉजिटिव, माई मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर पॉजिटिव फ्रॉम लास्ट 9 days, माई मॉम, माई सिस्टर, हर किड्स, दे आर फाइटर, द वे दे आर फाइटिंग विद दिस वायरस, स्पेशली माई बेबी मंचकिंस, या अल्लाह रहम, टेक केयर। इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनके बच्चे इस वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन वो फाइटर हैं, वो हिम्मत करके लड़ रहे हैं और जरूर इस बीमारी को वो मात दे देंगे। और खास करके जो उनके बच्चे हैं, जो उन पर वो जो वायरस है, जिस तरीके से बच्चे फाइट कर रहे हैं, वो लेकर बातें कही हैं एली गोनी ने। और इस पर जो फैंस हैं, फैंस का भी काफी ज्यादा रिएक्शन आया, कमेंट किया है, फैंस ने भी अपने अपने बातें कही हैं, लिखा है, मोर पावर टू योर फैमिली, आवर प्रेयर्स आर ऑलवेज विद देम, डोंट वरी एली, प्लीज यू एंड जैस्मिन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एवरीथिंग विल बी फाइन सून, आवर प्रेयर्स विद यू एंड योर फैमिली, यू आर ऑल फाइटर्स, मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू ईच एवरी वन टू फाइट दिस पेंडेमिक। तो इस तरीके से फैंस भी दुआ कर रहे हैं एली गोनी की फैमिली के लिए कि उनकी फैमिली भी स्वस्थ हो जाए अच्छी तरीके से, जिस तरीके से जासमीन वसीन ने हमें ये अच्छी खबर बताई थी कि अब उनके घर में सब ठीक है, उसी तरीके से अब एली गोनी के फैंस भी प्रार्थना कर रहे हैं और हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि सब कुशल मंगल हो, सब सही हो, सबकी सेहत अच्छी हो एली गोनी की फैमिली में, और इनफैक्ट बाहर के भी लोग जो भी हैं, आप सभी अपना ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस दौर पे। और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आप सबकी राय, और देखते रहिए फीफा फूस इसी तरीके की खबरों के लिए।